हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है। सवाल है खुशी कुमारी का और इन्होंने पूछा है कि सर क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। तो यहाँ से पहले तो एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ये डेटाबेस हमारे सामने आ गया है, देख ही सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आ जाना है। अब बस टेबल वन ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो नाम चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो ये देखिए ना, स्पष्ट रूप से बहुत ही ऑब्वियस शब्दों में लिखा हुआ है ऑप्शनल। अगर आपको कोई डेटा लेना, लेकिन यहाँ पे आईडी ही रखता हूँ और यहाँ से कोई डेटा टाइप ले सकते हैं, ऑटो नंबर ही रखता हूँ और यहाँ पे नेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया नेम, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे, ये देखिए, ये आ गया। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूँ, ये 2019 यूज कर रहा हूँ। अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप मिलेगा, हो गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर सिटी कर लेता हूँ, तो ये सिटी कर लिया। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर जाकर के और यहाँ लुकअप विजार्ड पे चले जाइए और लुकअप विजार्ड पे जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, ये कुछ इस तरह की होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से टाइप करूँ, तो आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे क्लिक करके और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये कॉलम वन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सिटी का नाम, तो मैं अपने सिटी का नाम पहले टाइप करूंगा, देवरिया हो गया, ठीक है। दूसरी है गोरखपुर, ठीक है, तो ये गोरखपुर कर दिया। और फिर नीचे होगा और नीचे आने पर यहाँ लखनऊ कर देता हूँ, बाकी और भी सिटीज का नाम आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए। आप फिनिश कर दिया, बस काम हो गया है आपका। व्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये पहली फील्ड है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दिस इज प्राइमरी की, प्राइमरी की, तो ये दे दिया प्राइमरी की। एंड ये भी लिख देता हूँ, यानी कि आप इस वाले फील्ड को, ये जो प्राइमरी की बनी हुई है, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से नेम में दे दीजिए कुछ, लाइक नेम में भी दे सकते हैं, जैसे कि नेम में मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से सिटी के बारे में भी दे सकते हैं कुछ, जैसा आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। तो ये नेम आपको स्टूडेंट लिख करके बस व्यू पे क्लिक कर दीजिए, काम हो गया आपका, बस ओके करके, बस ये तो हो ही गया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये इस तरीके से ये नेम आ रहा है, तो यहाँ पे नेम में चले जाइए, यहाँ लिख दीजिए राम, ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम हो गया। और यहाँ से देखिए ड्रॉप डाउन आ रही है सिटी में, तो ये आप ड्रॉप डाउन से देवरिया चूज कर लीजिए, राम देवरिया के हैं और श्याम जो है कहाँ के हैं वो चूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके, क्लियर है ना।